सहरसा के किसान जापानी तकनीक से खेती कर लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे कभी मौसम की मार झेल रहे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जब सहरसा के किसान बाढ़ और सुखाड़ दोनों की मार झेलते थे, जिससे 2 जून की रोटी मिलना भी मुश्किल हो रहा था, इसी बीच आशा की किरण लेकर आया एक एनजीओ, जिसने यहाँ के किसानों को नई तकनीक से खेती की ट्रेनिंग देकर इनकी किस्मत पलट कर रख दी। जहाँ ये प्रकृति की मार झेल रहे थे, आज वही प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें मछली हम डाले हैं, मछली जो डाले हैं, इसका जो कंपोस्ट खाद जो है, इसका जो पानी रिसॉर्व होकर अंदर जाता है, वो मछली खाता है। इस पर जितना बार टहलते हैं उतना कंपन होता है, कंपन होने के चलते मछली भागता है जब बहुत तेज से, उसमें में वृद्धि आता है। जो मान लीजिए हमको साल भर में जो 1 किलो 2 किलो होता है, वो हमको 6 महीने पर देता है। दोनों का ट्रेनिंग देता है, जैविक खाद द्वारा आपकी सब्जी फसल और जिस प्रकार का फसल को जिसमें आपको लाभ हो। लेकिन अभी 1 साल हम लोग को इसी के अंतर्गत काम दिए हैं, ये काम करना, हाँ करेंगे, इसी के अनुकूल चलेंगे, ये ट्रेनिंग समझिए। अनूठे तरीके की खेती को जापानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया गया है। यह ट्रेनिंग नदी या पोखर के बीच में दी जाती है, जहां नदी के बीचों बीच बांस बल्ले और चचरी का घर बनाकर फसल उपजाऊ बनाने का तरीका बताया जाता है। इतना ही नहीं, इस विधि के माध्यम से फसल उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी हो जाता है, जिससे यहां के किसानों की आय दोगुनी हो रही है। इस कारण किसान काफी खुश हैं। ये योजना जो है सो यहाँ पर कोसी इलाका पूरा 8-10 महीना पानी से भरा रहता है। हम लोग का हम लोग को फसल उपजा बाड़ी नहीं होता है, क्योंकि खेत में पानी आ जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी जापान टेक्नोलॉजी हमारे से पूरा हम लोग को नहीं पता, लेकिन एनजीओ ई बंगाल का एक तो है, उसके तहत हम लोग को एक छोटा चचा है हम लोग का, उसी के मार्फत यहाँ पर आया है प्रोजेक्ट। और हम लोग 10-20 किसान इसमें इंटरेस्ट लेके पूरा ये हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये हम लोग को सक्सेस हो जाएगा तो हम लोग को 12 महीना पानी रहता है सब अपने खेत में। अगर ये सक्सेस हो जाएगा तो इससे हम लोग को बचाव होगा, बॉस सब भी हम लोग को है, सरकार से कुछ अगर फायदा मिलेगा तो हम लोग। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में अनूठी तकनीक से खेती ने यहाँ के किसानों में एक नई उम्मीद जगाई है। यदि सरकार ने इसे बढ़ावा दिया तो वह दिन दूर नहीं जब बिहार के किसानों की गिनती देश के समृद्ध किसानों में होगी। नेशन न्यूज के लिए सरफराज के साथ मंजुल मंजरी की रिपोर्ट। सहरसा में खेती की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। एक तरफ देश में किसान आंदोलन हो रहे हैं, वहीं सहरसा में किसान अपनी मेहनत से अपने खुद घर और परिवार और समाज के लिए एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, लेकिन आपको हम लिए चलते हैं विधानसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई लगातार चल रही है। फिलहाल मुझे और रितम्भरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।